Amazon OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुका है एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज जिसका नाम है बाउंडलेस। और इस सीरीज में हमारे स्मार्ट और चालाक प्रोफेसर की एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, एक बेहतरीन स्टोरी और एडवेंचर के साथ, जहाँ पे एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंसान अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ अपने साथियों के साथ एक ऐसा सफर में निकल जाता है जहाँ पे वो लोग खुद को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करता है और क्या कुछ सहना पड़ता है, एक अनोखी दुनिया की जर्नी और सर्वाइविंग की कहानी दिखाया गया है इस मूवी में। और आज मैं आप लोगों को इसी बाउंडलेस सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि, आप देख रहे हो मूवी ऋषि XP, और आप अपना कीमती टाइम सही मूवी देखने में लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस बाउंडलेस सीरीज में इस बार हमारे प्रोफेसर कोई चोरी या फिर उसका कोई प्लानिंग नहीं करता है, बल्कि इस बार एक मसालों की खोज की प्लानिंग बना के निकल पड़ता है एक अनोखी खोज में अपने समुंदर में। और इस सीरीज की स्टोरी उस वक्त की है जब लोग थोड़ा बहुत दुनिया को डिस्कवर कर रहा था, और ये लोग भी तो सिर्फ मसालों की खोज के लिए ही निकलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग पूरे दुनिया को डिस्कवर कर लेता है। और इसी सफर में वो लोग जो जो जगह डिस्कवर करता है और जिन लोगों से वो लोग मिलता है और उन लोगों का बर्ताव कैसा होता है वो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इस सफर के शुरुआत में तो लगभग 200 से ज़्यादा लोग जाता है, लेकिन इस सफर के दौरान भूख, बीमारी और लड़ाई के दौरान जो जो होता है और उन लोगों का सर्वाइविंग स्किल उन्हें कैसे बचाता है वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसा भी है कि कुछ कुछ सीन देख के आप थोड़ा बहुत शॉक भी हो जाओगे। और इस सीरीज की शुरुआत के दौरान जितने भी कैरेक्टर हैं सबके साथ तो कनेक्शन बन जाता है, लेकिन सीरीज जितना भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन लोगों का धीरे धीरे एक एक करके मौत होता है वो देखने में काफ़ी इमोशनल और ख़राब भी लगता है। जहाँ पे सफ़र के शुरुआत के दौरान 200 लोग जाता है, लेकिन आखिर में सिर्फ 18 लोग ही वापस आ पाता है और जीवित होके अपने घर लौट पाता है। और स्पेन की सभी जहाज़ों को पुर्तगीज की सैनिक और उनके जहाज आखिर तक उनको पीछा करता रहता है उन्हें रोकने के लिए। और वो लोग इस काम पे कामयाब हो पाता है या नहीं ये जानने के लिए आप लोगों को ये सीरीज तो देखनी पड़ेगी। एंड ओवरऑल इस सीरीज का लगभग 6 एपिसोड है जो 50 से 60 मिनट के आसपास की है, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत बोर भी लगेगा, लेकिन इसका दमदार स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी आपको आखिर तक बांधे रखेगा और हर एपिसोड की एंडिंग आपको अगले एपिसोड देखने में मजबूर भी करेगा। और अगर आप लोगों को एक एडवेंचर सर्वाइविंग और इसके साथ एक अच्छी स्टोरी वाली वेब सीरीज देखनी है तो आप लोग जरूर इस सीरीज को देख सकते हैं। एंड ओवरऑल मुझे ये सीरीज तो काफ़ी अच्छा ही लगा, तो आप लोग भी जाओ और इस सीरीज को देखो। और दोस्तों इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।